बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जी। एक वीडियो मैंने पहले शेयर की जिसमें मैंने आपको बताया 900 से ज़्यादा कार्रवाई की गई हैं। ये पिछले 24 घंटों की बात है, यानी कि ईद वाले दिनों में। तो भाई नीचे कुछ कमेंट कर रहे थे कि ये यार 2 साल पुरानी वीडियो यह 2 साल पुरानी वीडियो नहीं होती है। मैं आपको पहले डेट दिखा दूँ, उसके मुतालिक हम आगे बात कर लेंगे। यहाँ पर आपको मैं क्लोज करके बड़ी करके एक डेट दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है, हम बात कर लेंगे 27/9/1443 था 3/10/1443, ठीक है जी। 27 और 3 कितने दिन बन गया, 6-7 दिन बन गए ना। तो ये आपने डेट देख ली है, अभी की अरबी डेट चेक कर लें, यही होगी आपके सामने, यही आएगी डेट, क्लियर होगी जी। अभी मैं आपको एक चीज क्लोज करके जो दिखाता हूँ मुख्तलिफ वीडियोस में, जो वज़ारत दाखिला की तरफ से ये आती है रिपोर्ट, उसमें देख ले। तरहील के मतलब पहले बता दूं, जो सऊदी में पकड़कर जेल के थ्रू भेजे जाते हैं उनकी तादाद देख ले, 8208 अफराद हैं। 8000 बोल रहे हैं, 8200 अफराद हैं जी। ये फिर क्लियर करूं कि ये वो बंदे हैं जी, 8200 अफराद जिनके इकामे हरूम मतलू कुछ भी मसला वगैरह हो, वो पकड़े जाते हैं, बाद में डिपोर्ट कर दिए, चाहे खुद से पकड़ाई देकर आ रखे हों, ये बंदे दोबारा सऊदी अरबिया में नहीं जा सकेंगे। ये क्लियर है, जो बंदा डिपोर्ट होता है जेल के तरहील के थ्रू यानी कि आता है, वो सऊदी अरबिया में बैन कर दिया जाता है, उम्र आज के लिए जा सकता है, वैसे नहीं जा सकेगा। हाँ, अगर आप सवारा वगैरह से क्रूज लगवा कर आ रखे हैं फिर आप न्यू वीजा के तौर पर जा सकते हैं। उसके मुतालिक मैं बहुत सी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, लाइव ज्यादा सवारा से भी और वैसे भी आपको बता चुका हूँ। अभी मैं मुकम्मल आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप बड़ी करके आप देख लें जी। इसमें अभी बात करेंगे टोटल के मुतालिक, अगर 10842 अफराद हैं जी, ठीक है जी। इनमें निजामल मुखालफा निजामल इकामा, जिन बंदों के इकामे वगैरह एक्सपायर हैं वो कितने पकड़े गए हैं, 6916 अफराद, 7000 बोल रहे हैं, 7000 बंदे इकामा एक्सपायर वाले हाथ लगे हैं उनके ये 6 दिनों के अंदर, ठीक है। इसके आगे लिखा हुआ है मुखालफा निजाम अमन अल हदूद, तो 2918 अफराद यानी 3000 के अराउंड में जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरबिया से भाग रहे हैं आते हुए पकड़े गए हैं, जिनमें यमनी अफराद ज्यादातर होते हैं। उसके बाद है मुखालफा निजाम अल अमल, मैं यहाँ पर मुस्कुरा कर रहा हूँ, अभी आपको बता भी देता हूँ। मुखालफा निजाम अल अमल 1008 अफराद है जी। आपको पता है मुखालफा निजाम अल अमल के मतलब मैं ना कुछ और काम, कुछ और कफीर, कुछ और आप कुछ और कर रहे हैं, कफीर कहीं का आप कहीं कुछ और किए जा रहे हैं। पर मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि मैं अभी सबिया जजान से आगे कुछ भाई मुझे जो जानते हैं सबिया जजान वाली साइड पर है, और सबिया से आगे यमन के बॉर्डर वाली साइड पर है जी टॉप ऑफ द फीफा, सऊदी अरबिया का सबसे खूबसूरत गांव माना जाता है। मैं ईद नमाज भी वहां पर पढ़ चुका हूं, छोटी और बड़ी आपके साथ लाइव वीडियो शेयर कर चुका हूं बहुत सी उस इलाके से। टॉप ऑफ द फीफा जजान से आगे यमन बॉर्डर वाली साइड पर, वहां पर कुछ पाकिस्तानी भी गैर कानूनी तरीके से जिनके ऊपर कोई ना कोई किसी किस्म का केस हो जो कि क्लियर ना हो रखे हों, तो उस इलाके से भागते हैं।